हिमाचल प्रदेश पूर्व पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आज हमीरपुर में आयोजित की गई, जिसमें एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर के साथ ही पूर्व पुलिस पेंशनर्स मौजूद रहे। बैठक में पूर्व पेंशनरों की समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ ही समस्याओं के समाधान करवाने को लेकर आगामी रणनीति भी तैयार की गई। एएसपी भगत सिंह ने कहा कि जिला हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश में आज बढ़ता नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है, तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहे। और ये भी आज तो पीएचक्यू से भी बड़ी अच्छी अच्छी एप्स मिली है, ड्रग फ्री हिमाचल करके अगर आप उसमें दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा पूछेगा बताएगा। उस ऐप में ये स्पेसिफिकेशन है, उसकी खासियत है कि उसका जो कॉलर है जिसने ये इंटीमेशन दी है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं चाहिए किसी को। अगर मैं भी चाहूँ तो ये कहाँ से आई आई कैन नॉट सके, तो वो बड़ा सीक्रेट है। वो उसमें आप लोगों से बहुत हमें हेल्प हो सकती है। और भी जो कुछ चीज़ें सोसाइटी में है, कुछ भी आपको लगता है कि कोई ऐसा इशू है, कोई क्राइम है या कोई और चीज़ है, कोई लर्नर है, तो आप जरूर मेरे ध्यान में लाएँ। और मुझे आप बिल्कुल अपने परिवार का एक खास क्लोज मुझे समझें अपने आपके, जो मैं हमेशा रहा हूँ। वहीं पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि बैठक में सभी पूर्व पेंशनरों ने वर्ष 2016 के बाद पे स्केल रिवाइज ना होने और पेंशनरों की फंड रिलीज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बैठक पूर्व पेंशनरों के सम्मान के संदर्भ में भी विशेष चर्चा की गई है।